निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, कितनी सुंदर पंक्तियां की हैं, दुनिया के भोग रोग अजी इनमें कोई सार नहीं, और विषयों के विष खाके जगत में कौन हुआ दीवान। ये पंक्ति ध्यान रखना, स्वामी जी पर पूरी सटीक बैठती है। कभी विषयों को महत्व नहीं दिया, भोग विलास को महत्व नहीं दिया। तभी तो हमारे शास्त्री जी बता रहे थे 120 वर्ष की आयु कम तो नहीं होती ना, बोलो। आज तो जानते हो जिनकी उम्र 63 साल की है वो क्या कहते हैं, बोले जी आधी तो चली गई, यही कहते हैं ना, बोले जी आधी तो चली गई, आधी और ठीक ठाक निकल जाए, बस इतने में तो टिकट कट ही लेना है। फिर माने के आज व्यक्ति मान करके चलता है 60-70 साल तक भी जी गया तो बहुत है, पर उस समय स्वामी भीष्म जी की आयु 120 वर्ष बताई जाती है। महाभारत वाले भीष्म जी की तरह ही लगते होंगे, मैंने दर्शन तो नहीं किए क्योंकि मेरा तो जन्म भी उनके 4 साल बाद हुआ है। माताओं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, चिंतन करना विचार करना, ये क्यों, क्योंकि खान पान शुद्ध। और शिव कुमार जी बताया करते थे, बोले सुबह उठ जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, और चाहे गर्मी हो या सर्दी हो उठने का समय निश्चित, स्नान आदि करके घूमने जाना टहलने जाना और आकर के योगाभ्यास करना, दंड बैठक लगाना, जो बता रहे थे ना कि उनकी जांघें भी बिल्कुल पत्थर की तरह थी, उसका कारण था योगाभ्यासी थे। माता उन बच्चों को थोड़ा सा शांत कर लीजिए और थोड़ा सा शांत बैठे, योगाभ्यासी थे। और जो भोगों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी, उसका एक प्रमाण मैं यहां पर देना चाहती हूं। उस समय के राष्ट्रपति जिनका नाम था ज्ञानी जैन सिंह जी, है ना, जो परिचित है वो अच्छी तरह जानते हैं। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, राष्ट्रपति का पद छोटा पद तो नहीं होता ना। स्वामी भीष्म जी ने एक कार्यक्रम रख दिया और किसी कारण से ज्ञानी जैन सिंह जी उसमें आ नहीं पाए तो स्वामी जी को लिखित रूप में पत्र भेजा, माफी मांगी। और वो राष्ट्रपति थे और स्वामी जी सन्यासी थे, कोई अथा संपत्ति पास नहीं, कोई पावर नहीं, और जैसे सन्यासी थे स्वामी भीष्म जी, मैं ये भी कह सकती हूँ दावे के साथ में, ऐसा भी नहीं रहा होगा जो आज के ढोंगी नेताओं को अपने चरणों में झुका देते हैं ये कह करके तुम्हें अपने चेले और चेलियों की वोट दिलवा देंगे, ऐसा भी जीवन उनका नहीं था। पर ज्ञानी जैन सिंह को लताड़ लगाई और कहते उस लताड़ का परिणाम ये निकला, ज्ञानी जैन सिंह ने माफी मांगी और माफी मांग करके कहा, स्वामी जी जो कार्यक्रम आपका हुआ उसका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, और आप दूसरी बार कार्यक्रम रखो, अब की बार चाहे कोई बीमार हो चाहे कोई मर ही क्यों ना जाए, पर मैं आपके कार्यक्रम में जरूर आऊंगा। ये उस सन्यासी का प्रभाव था, ये छोटी बात नहीं, गर्व करना चाहिए। इतनी महान हस्ती इस घरोंडा के अंदर अपनी तपस्थली बना करके इसको रही, जिनके नाम से आज भी भीष्म चौक हो या भीष्म भवन हो वो हमें दिखाई देता, और हम शान के साथ ये बता पाते हैं ये स्वामी भीष्म जी की कर्मस्थली है, ये उनकी तपस्थली है। निवेदन कर दूं, आज यदि हम उनके इस श्रद्धांजलि समारोह पर बैठे हैं तो हम सबका कर्तव्य एक ही बनता है कि जिन्होंने इतना समर्पण अपने जीवन का, इतनी श्रद्धा रखते हुए अपना पूरा जीवन समाज के हित में लगाया है, लाखों लोगों को प्रेरित करके आर्य समाज के साथ में जोड़ा है, आपको यहाँ पर इतने ना मिले, मैं महेंद्रगढ़ की तरफ जाती हूँ, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पर स्वामी जी के शिष्य वहाँ पर ना बैठे हो। ताराचंद जी जिनको वैदिक तोप कहा जाता था वो स्वामी भीष्म जी महाराज के शिष्य, अपनी जितनी भी पुस्तकें उन्होंने लिखी हर एक पुस्तक के अंदर उन्होंने यही बात कही, अगर स्वामी भीष्म जी महाराज ना आते और उनके भजनों को हम ना सुनते, उनके क्रांतिकारी विचारों को हम ना सुनते, तो आज ये ताराचंद भी ढोंगी और पाखंडी बनकर के रह पाता, ये कभी वैदिक धर्म में ना आ पाता। और केवल भजनोपदेशक नहीं, स्वामी इंद्रवेश जी बहुत बड़ी हस्ती, वो भी स्वामी भीष्म जी महाराज के विचारों से प्रभावित होकर के इस कार्य के साथ जुड़े थे। अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था ऋषि के मिशन को आगे बढ़ाना,
निवेदन कर दूं, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन को जला करके समाज को प्रकाशित करने का कार्य किया है। इनके प्रति अगर हम सच्ची श्रद्धांजलि रखना चाहते हैं तो हम सबका नैतिक कर्तव्य यही बनता है कि जो उन्होंने विचार हमें दिए हैं उन विचारों को हम आगे बढ़ाते रहें। कई बार कुछ शिथिलताएं आ जाती हैं, पर मुझे अच्छा लगता था कि स्वामी भीष्म जी के बाद में शिव कुमार जी ने उस कड़ी को आगे बढ़ाया। वो सन्यासी तो नहीं बन पाए, है ना, वो उनकी तरह प्रचारक तो नहीं रहे, लेकिन उनके प्रचार में कोई कमी नहीं थी। पुस्तकों के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, लेख के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से उस कार्य को निरंतर वो करते ही रहते थे। और आज उनकी परंपरा को, जो कि वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कर्तव्य बनता है वो परिवार का बनता है। देखो, भौतिक उन्नति करना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है। आप ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा श्रद्धा विश्वास रख करके चलो तो वो परमात्मा किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता, ध्यान रखिएगा। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, भौतिक उन्नति भी हो जाती है, पर संसार के अंदर भौतिक उन्नति किए हुए लोगों को कोई नहीं पूछ रहा। आज उनका नाम लेने को कोई तैयार नहीं है। जिन्होंने समाज के लिए कुछ कार्य किया, जिन्होंने धर्म के लिए कुछ कार्य किया, जिन्होंने देश के लिए कुछ कार्य किया, आज लोग उनकी पूछ करते हैं। नहीं तो स्वामी भीष्म जी ने एक भजन लिखा था कि इस संसार की एक अनोखी कहानी देखी है, एक कथा भी है माताओं। कहते एक व्यक्ति जो एक पेड़ पर बैठा था और पेड़ पर बैठ करके देख रहा था, पता लगा उसकी डाल टूट गई। ध्यान से सुनना, डाल टूटी, नीचे कुआं था। वो व्यक्ति जैसे ही लगा कि डाल टूटी, मैं गिर रहा हूं, कुएं में गिरूंगा, तो तुरंत उसके हाथ में एक बेल आ गई। समझ रहे हो ना, बेल। और वो बेल को लटक कर, बेल को पकड़ कर के लटक गया, कुएं में लटका है। पर वो क्या देखता है, जिस बेल पर वो लटका था उस बेल को एक काले रंग का और एक सफेद रंग का चूहा उतर रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस पेड़ पर था उस पेड़ की जड़ को आकर के एक हाथी हिला रहा है, पर इधर जड़ को हाथी हिला रहा है, उधर जिस नाजुक सी बेल से लटका हुआ है उस बेल को चूहे काट रहे हैं। लेकिन उसी वृक्ष पर ऊपर एक शहद का छत्ता था और उस शहद के छत्ते से एक एक बूंद रस टपक रहा था। उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला और वो शहद की एक एक बूंद को चाटने लगा, उसमें मदमस्त हो गया। मदमस्त होकर के वो कैसी स्थिति में है, ये सारी स्थितियां वो भूल गया। जानते हो ये किसकी कहानी है, ये हम सबकी कहानी है। ये दिन रात रूपी चूहे जो वो बेल है ना, हमारी आयु है, उस आयु को काट रहे हैं, है ना। ये संसार ही उस कुएं की तरह है और बस बीच में कहीं से थोड़ा सा सुख आ जाए साधनों से, हम उसी में मदमस्त होकर के रह जाते हैं, वास्तविकता को भूल जाते हैं। इस पर स्वामी जी ने बहुत अच्छा लिखा था, क्या लिखते हैं कि देखिए ऐसी कहानी हैरान हो गए, देखिए ऐसी कहानी हैरान हो गए, देखिए ऐसी कहानी हैरान हो गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए, हैरान हो गए, परेशान हो गए।
Thank you.